नमस्कार दोस्तों, मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आती है कि सर और भी पैनिक स्टॉक्स की वीडियो बनाएं, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोल डाला था, तो वहां पर भी मुझे मैक्सिमम लाइक यही मिले कि हमें और भी पैनिक स्टॉक्स की वीडियो बताएं। पर दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं दूसरी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें मैं आपके साथ जो जिनके चार्ट बहुत बढ़िया है, अब ट्रेंड में चल रहे हैं या ब्रेकआउट आया है, तो उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। वहां से आपको लर्निंग भी सीखने को मिलेगी और शॉर्ट टर्म में उन स्टॉक्स में आपको टारगेट भी जल्दी अचीव देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने शेयर मार्केट में सीखना है तो आपको जो लर्निंग वाली वीडियो है, जो ब्रेकआउट वाली वीडियो है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली वीडियो है, उनको जरूर देखें, तभी आप शेयर मार्केट में सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये स्टॉक है, इसका प्राइस चल रहा है 0.84। और दोस्तों, इस स्टॉक्स में मैं आपको बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, और इसके फंडामेंटल भी काफी अच्छे हैं, तो कोई भी पॉइंट आप मिस मत कर जाना। दोस्तों, सबसे पहले हम चार्ट पर ही बात करते हैं। स्टॉक का नाम है पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि वीकली चार्ट देखिए, यहां पर देखिए चार्ट में जैसे बाकी चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिलता है, वैसे ही हमें लास्ट वाले वीक में इसमें देखिए ब्रेकआउट देखने को मिला। ये बार बार इस प्राइस पे जा रहा था 0.70 पर, बार बार यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे आ रहा था, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर आप देखिए ये दिसंबर के मंथ में भी इसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया, बट लास्ट वाले वीक में देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया और क्लोजिंग 0.70 के ऊपर क्लोजिंग हुई। ये दोस्तों बीएसई में लिस्टेड है, और अगर हम वॉल्यूम भी देखें तो पहले भी इसमें वॉल्यूम आए, और ये देखिए लास्ट वाले वीक में भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें हमें मूव देखने को मिला। और इसका आप मंथली चार्ट भी देखिए, फिर मैं आपको डेली का चार्ट भी दिखाऊंगा। यहां पर भी आप देखिए मंथली के चार्ट में भी देखिए, ये 20 डेज की मूविंग एवरेज है, 20 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सस्टेन कर दिया, और मंथली चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि सेम वही ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों अगर ये कंटिन्यू ये मंथली चार्ट पर भी इस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन रहता है, तो इसमें हमें एक काफी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, उसकी भी अभी चर्चा बाद में करेंगे। बट दोस्तों, अगर आप चार्ट पूरा देखना चाहें तो यहाँ देखिए 2012 से लेकर ये अभी तक का चार्ट है, तो 2012 में इसकी ये देखिए लिस्टिंग प्राइस हो रहा है 365 के पास, और ये दोस्तों 849 तक स्टॉक गया था, और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल नीचे लो लेवल पर चल रहा था। और अगर हम डेली के चार्ट पे देखें तो डेली के चार्ट पे भी देखोगे कि काफी समय से इसमें हायर हाई और हायर लोअर बनते जा रहे हैं। मीन्स अगर हायर हाई नहीं बढ़ रहा है, तो जो ये देखिए हायर लो है, वो देखिए उसका मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया 0.30 से, और ये ऊपर 0.70 गया, फिर नीचे ये 0.40 तक आया, और इसके बाद फिर ये ऊपर गया, लेकिन नीचे जब आया तो ये पिछले वाला जो लो था 0.40 उसको इसने ब्रेक डाउन नहीं किया, मतलब उससे ऊपर ही ये देखिए लो बना, और वहीं से ये स्पोर्ट लेकर वापस चलना स्टार्ट हो गया ये। और आप देखोगे ये डेली के चार्ट पर 50 डेज की मूविंग एवरेज को स्पोर्ट लेकर ऊपर की साइड चल पड़ा। दोस्तों, इसके फंडामेंटल में काफी इंप्रूव हुआ है, मींस इसके जो रिजल्ट्स है उसमें काफी इंप्रूव देखने को मिल रहा है, उसी के चलते इसमें हमें मूव देखने को मिला। तो बात करते हैं इसे बेसिक फंडामेंटल। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी एक नेगेटिव बात यह है कि ये जो इसका मार्केट कैप है वो सिर्फ 42 करोड़ का है, क्योंकि दोस्तों जो 100 करोड़ के मार्केट कैप के नीचे होते हैं उसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, मीन्स उसमें अप डाउन काफी फास्ट होता है। अगर कोई स्टॉक्स फास्ट ऊपर जाता है तो उतनी तेजी से वो नीचे भी आता है। और कंपनी का बिजनेस देख सकते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, और भी काफी इनके बिजनेस हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। पर दोस्तों, इसका अगर हम इस वेबसाइट पर स्क्रीनर पर देखें इसका चार्ट, यहाँ पर आप देखोगे कि इसका 2013 में भी इसका प्राइस 5-6 रुपए के प्राइस पे चल रहा था, और ये करीब 90 के प्राइस तक गया था, और आप देख सकते हो कि यहाँ से ये देखिए वन साइडेड गया था और फिर वन साइडेड ही नीचे आया। तो दोस्तों, जो स्टॉक्स लगातार वन साइडेड मूव देते हैं, ऊपर की साइड में जाते हैं वन साइडेड नॉन स्टॉप, तो वहां पर दोस्तों गिरावट भी वैसे ही देखने को मिलती है। अब वहां पर हम देख रहे हैं कि अपने ब्रोकर अकाउंट पे वहां पर
हमें कुछ और लेवल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ और मे भी ये स्टॉक स्प्लिट हुआ होगा या डीमर्ज हुआ होगा, तो वो देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये देखिए स्टॉक ये करीब 600 के पॉइंट से नीचे गिरा और फिर 115, और 115 से देखिए वन साइडेड गया था ये 852। तो यहाँ हमें प्राइस कुछ और दिखाई दे रहे हैं और वहां कुछ और दिखाई दे रहे हैं। आगे दोस्तों इसका बेसिक फंडामेंटल में हम इसका रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट में आप देखोगे कि जो इसका बिल्कुल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट जून के क्वार्टर में देखिए 0.51, 0.39, बट दिसंबर के क्वार्टर में 2.40। तो दिसंबर के क्वार्टर में देखिए काफी जंप देखने को मिला। और सेल्स की बात करें तो जो पहले 1 करोड़ से सेल कम थी वो सेल्स भी देखिए 2.73 के करोड़ तक पहुंच गई। ये 2018 से देखिए किसी भी क्वार्टर रिजल्ट में सिर्फ एक बार यहाँ पर ऐसा जंप देखना पड़ा था, और दूसरी बार भी सॉरी देखना पड़ा था, उसके बाद अब दोबारा यहाँ पर सेल्स अच्छी हमें दिखाई दी है। और अगर हम एनुअली रिजल्ट की बात करें तो एनुअली भी प्रॉफिट आप देख सकते हो कि 2018 में देखिए 1 करोड़, उसके बाद 1.59, 1.44, और अब जो इसका आएगा वो 3 पॉइंट प्लस आएगा। देखिए तो प्रॉफिट में यहाँ पर जब देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। और अगर हम लाइबिलिटी की बात करें मीन्स या आप बोरिंग की बात करें, कर्ज की बात करें, तो कर्ज भी देखिए कंपनी 2017 में 50 करोड़ का था, उसका 2018 में 21, 19 में 18 और 20 में देखिए 10 करोड़, और अब सितंबर के मंथ तक यहाँ पर अपडेट है 7.88। तो यहाँ पर कंपनी लगातार अपने डेब्ट को भी कम कर रही है, कर्ज को कम कर रही है, और नेट कैश फ्लो भी यहाँ पर पॉजिटिव में है। बट यहाँ पर एक थोड़ी सी और नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है, प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो काफी कम है, 20.29 ओनली, बाकी 80% के करीब पब्लिक के पास ही शेयर्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें टारगेट कहाँ तक आ सकते हैं और स्टॉप लॉस क्या रखें। उससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये देखिए इस सेक्टर की दूसरी कंपनी बजाज फाइनेंस भी कभी दोस्तों पेनी स्टॉक हुआ करता था, आप इसका देख सकते हैं, ये भी कभी 5 रुपए पर ट्रेड करता था और आज की डेट में देखिए ये 5500 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि पैनिक स्टॉक्स में टाइम लगता है, जैसे जैसे वहां पर रिजल्ट इंप्रूव होते हैं, सेल्स इंप्रूवमेंट होती है, तो वहां पर फिर स्टॉक में मूव देखने को मिलता है। तो ऐसे नहीं कोई रातों रात नहीं, टाइम देना पड़ता है। और साथ में दोस्तों आपको ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप इस स्टॉक को बाय कर रहे हो तो ये जो आपको यहाँ पर स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबी कार्ड, एचडीएफसी एमसी, मथुट फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, चोलामंडलम, इन स्टॉक में से आप किसी एक स्टॉक को भी जरूर बाय कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों पेनी स्टॉक तो है, अगर ये चल पड़ा तो आपको लखपति करोड़पति भी बना देगा, बट टाइम देना पड़ेगा इसमें। और बट ये जो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे फंडामेंटल हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, इनमें से भी आप जरूर पिक कर सकते हो। दोस्तों इस स्टॉक में ब्रेकआउट जरूर आया है, बट मैं टारगेट और स्टॉप लॉस बताने से पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि कैपिटल उतनी ही लगाएं जितना आपको पेन ना हो, रात को नींद अच्छे से आए, आपको बार बार ना देखना पड़े। ये नहीं कि अगर आपको ये लगता है कि इसमें अगर लॉस भी हो गया तो मेरा मैक्सिमम लॉस 1,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, तो इतना अगर आप सोचते हो कि मेरा इतना अगर लॉस हो जाए, कैपिटल मेरी इतनी चल भी जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर ये स्टॉक 4-5 साल अगर यहीं भी पड़ा रहेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए स्टॉक में तब इंटर कीजिए, पहले अपना माइंड सेट क्लियर कीजिए कि अगर स्टॉक नहीं चला, यहीं पर खड़ा रहा, तो आपको ज्यादा पेन ना हो, उतनी ही कैपिटल लगाए। अब बात करते हैं इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस की बात करोगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की, तो जहां जिस लेवल पर आपको ब्रेकआउट मिला है, जो पहले आपका रेजिस्टेंस लेवल था 0.70, अब वही आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर 0.70 के नीचे आपको क्लोजिंग मिलती है तो वहां पर आप एग्जिट कर सकते हो बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस के लिए, बिल्कुल अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा नजरिया लंबा है तो यहां पर आप 0.40 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहां से देखिए ये लेवल नहीं ब्रेक हुए थे जब इसने यहां से वापस किया, और अगर ये लेवल ब्रेक हो गए नीचे की साइड में, तो समझ लीजिए कि ये स्टॉक फिर दोबारा फिर नीचे के लेवल पर खड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए अगर आपका थोड़ा सा नजरी लंबा है तो 0.40 का स्टॉप लॉस रखिए, नहीं तो बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस 0.70 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आप एग्जिट हो जाना। क्योंकि अगर हम बात करें अभी आरएसआई की डेली चार्ट पर, तो आरएसआई अभी ओवरबाउट के जोन में, यह देखिए पहले भी आरएसआई यहाँ गया फिर नीचे आया। तो साथ में मैं इसको यही भी आपको बताना चाहूंगा कि जब तक ये 0.40 के ऊपर है तभी तक इसमें एवरेज कीजिए, मीन्स अगर ये थोड़ा नीचे आता है तब एवरेज कीजिए, अगर इस नीचे प्राइस में चला जाता है 0.40 के नीचे फिर एवरेज मत कीजिए। इसलिए फर्स्ट टाइम में आप कोशिश कीजिए कि कैपिटल कम लगाएं, 500,000 कैपिटल क्वांटिटी के साथ ही लगाएं। दोस्तों आज की वीडियो का साथ में डिस्क्लेमर भी रहेगा कि मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की है सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन के माध्यम से शेयर किए, ताकि आप स्टॉक मार्केट में कैसे एनालिस किया जाता है उसको अच्छे से समझ सकें, चार्ट को रीड कर सकें। किसी भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए और अपना रिस्क जरूर देखिए और अपनी भी स्टडी जरूर कीजिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं सिर्फ 500 या 1,000 क्वांटिटी ही इसमें बाई करूंगा, ज़्यादा इससे नहीं। क्योंकि अगर ये 100 का प्राइस हो गया, बढ़ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यही भी पड़ा रहा तो मुझे ज्यादा पेन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर एग्जिट भी होगा 0.40 के प्राइस पर तो मेरा ज्यादा लॉस नहीं होगा। और दोस्तों शॉर्ट टर्म में अगर इसका टारगेट की बात करें तो टारगेट कहना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जब स्टॉक लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाते हैं तब फिर आपको एग्जिट होने का चांस भी नहीं मिलता। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप जब आपको कैपिटल जैसे डबल हो जाए, जैसे स्टॉक 1 से 2 हो गया, तो वहां पर फिर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। या फिर आप दूसरी स्ट्रेटजी ये बना सकते हो कि जैसे आपको दिखे कि स्टॉक लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए, लोअर सर्किट की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए, तो वहां पर भी फिर प्रॉफिट बुक इमीडिएटली कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जिनके मार्केट कैप 100 करोड़ से कम का होता है उनको ज्यादातर मोस्टली ऑपरेटर भी चलाते हैं, तो ऑपरेटर कब उसमें फिर अपना माल बेच जाए, कब एकदम फिर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए, किसी को नहीं पता होता। इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ता है, जब हम एक अच्छे प्रॉफिट में पहुंच जाते हैं तब हमें अलर्ट रहना पड़ता है कि जैसे लोअर सर्किट लगने वाला हो वहीं पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लो। और साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर मेरे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको इस चैनल पर काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।